राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ में शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार से जा रहे टेम्पो ने चार लोगों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, मृतकों में से तीन लोग एक ही परिवार के थे। आपको बता दें, टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद शवों के चीथड़े चारों ओर बिखर गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान अशोक, जिसकी उम्र 30 साल, उसकी पत्नी किरण, बेटा ईशांत और एक अन्य व्यक्ति के तौर पे हुई है। हादसा सुबह करीब 5:15 बजे हुआ, जब ये लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे। आपको बता दें, घटना स्थल के पास लगे एक सीसीटीवी की फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह एक बेकाबू टेम्पो कुछ लोगों और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को रोंदता हुआ निकल गया। पुलिस ने बताया है कि टेम्पो चालक बेहद तेज गति और लापरवाही से अपना टेम्पो चला रहा था, लेकिन उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।